जय माँ कर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ पैरामिलिट्री स्टाफ की जो आप लोग की वैकेंसी 2020 में आई थी, लगभग यही समय था, जुलाई अगस्त 2020 में आप लोग की रिक्रूटमेंट आई 789 आप लोग की टोटल पोस्ट थे। कई पोस्टों पर आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर। वैकेंसी बहुत ही अच्छी थी। फॉर्म अप्लाई के बाद फिजिकल भी आप लोग के समय पे लिए गए और पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी। फिजिकल के बाद आप लोग का नेक्स्ट स्टेप रिटेन के बाद आप लोग का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट, ट्रेड के बाद मेडिकल और मेडिकल के बाद फाइनल ज्वाइनिंग। लेकिन फिजिकल के बाद जो रिटेन एग्जाम आप लोग का होना है या फिर हुआ है, बहुत बड़ा गैप इसमें आ गया, बहुत ही बड़ा गैप देखने को मिला। जी हाँ, 2023 में कांस्टेबल की जो 6 ट्रेड थे इनके रिटेन एग्जाम लिए गए मार्च 2023 में, काफी लंबा समय। और समय तो समय, सब कुछ चेंज कर दिया गया यहाँ पे, जो मींस ऑनलाइन एग्जाम कर दिए गए, ट्रेड के क्वेश्चन हटा दिए गए, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हुई बच्चों को, वो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुए जो कि ट्रेड के क्वेश्चंस को लेकर के बहुत ज्यादा खुश थे कि हमें ट्रेड की जानकारी है पूरी तरीके से, हमने हजारों क्वेश्चंस यहाँ पे नोट कर रखे हैं, पीडीएफ करके रखी है, लेकिन कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि ट्रेड के क्वेश्चन नहीं आए। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश की आई, ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम कर दिया गया, कंप्यूटर बेस आप लोग का एग्जाम हुआ, मार्च में आप लोग का एग्जाम ले लिया गया। अब एग्जाम के बाद एग्जाम रिजल्ट को लेकर के परेशानी, सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के बाद सर ट्रेड टेस्ट कब होंगे, ट्रेड के बाद सर मेडिकल कब होंगे। मीन्स यदि भर्ती एक बार डिले हो जाए तो ये मान के चलिए उस भर्ती की कोई एंड टाइम नहीं है कि इस समय तक इस भर्ती को कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट और भी कई रिक्रूटमेंट निकालता रहता है और डिपार्टमेंट ये नहीं चाहेगा कि एक भर्ती डिले होने की वजह से सभी भर्तियों को डिले किया जाए। जी नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहेगा, डिपार्टमेंट यही चाहेगा बाकी की जो हमारी भर्तियां आ रही है समय पे कंप्लीट हो, लेकिन जो एक भर्ती डिले हो गई है उसे डिले होने दो। एक भर्ती डिले होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाकी की भर्तियां हैं वो डिले नहीं होनी चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट की जो साख है उस पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यही है सबसे बड़ा रीजन सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का अभी तक रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, और आगे का प्रोसेस क्या है, कब तक होगा, इसकी भी कोई सूचना निकल के नहीं है। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम आप लोग के मार्च 2023 में कांस्टेबल की जो 6 ट्रेडें थी, कुक, सफाई कर्मचारी, वाटर कैरियर, वेटर, वाशरमैन और टेबल बॉय, मसालची, इनके जो है रिटर्न एग्जाम लिए गए। रिटर्न एग्जाम के बाद रिजल्ट नहीं आया, और बाकी की जो पोस्टें हैं हेड कॉन्स्टेबल, एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर, इनके भी ऑनलाइन एग्जाम कर दिए गए हैं और इनके एग्जाम की डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड वगैरह आ गए हैं, इनके भी मेंस एग्जाम वगैरह होने हैं। तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वीडियोस मैंने बनाए और वीडियोस में मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके रिटर्न एग्जाम बहुत ही अच्छे गए हैं, बहुत अच्छे गए हैं, परेशान है क्या सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के बाद ट्रेड टेस्ट भी देना है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी भर्ती है, और मैं आप लोग को बता दूं, उम्मीद बनाए रखिए, जी हाँ उम्मीद बनाए रखिए, सिलेक्शन आप लोग का इसमें होगा, मैंने आप लोग को बताया है। जी हाँ, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की पूरी जानकारी मैंने आप लोग को बताई है, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग जो पासिंग मार्क्स आप लोग को दिए गए हैं, इतने नंबर आप लोग लेके आ रहे हैं, तो आप लोग पूरी तरीके से रेस में हैं, अभी तक यही जानकारी है, किसी प्रकार की आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। जी हाँ, यदि आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन है, 45% पे आप लोग को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाना चाहिए, और इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी से है तो 40+ पे आप लोग को यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाना चाहिए। यही जानकारी है और यही इंफॉर्मेशन है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं है और चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो यदि आप लोग इतना नंबर ले रहे हैं, इतने नंबर गेन कर रहे हैं, तो आप लोग रेस में है, ट्रेड टेस्ट की तैयारी में आप लोग लग जाइए। लेकिन सर कितनी तैयारी करें, कितनी ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, रिजल्ट की जानकारी मैंने आपके लिए ही मैं वीडियो लेकर के आया हूं, और इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को पहले भी दी है, देखिए, और अभी भी मैंने आप लोग को वीडियो में स्टार्टिंग में जानकारी दे दी है कि भर्ती कई सीआरपीएफ ने निकाल दी है, और सीआरपीएफ ऐसा नहीं चाहेगा कि जो नई भर्तियां निकाली जा रही हैं या जो भर्तियां निकाली जाएंगी किसी प्रकार से किसी भी भर्ती को डिले किया जाए।
इसके लिए फिर चाहे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती है इसे कितना भी डिले करना पड़े, कितना भी डिले करना पड़े, कर देंगे। बिल्कुल। तो देखिए अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो यही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि अभी भी आपके रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट की कोई डेट फिक्स नहीं है। जी हाँ, जून की जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी, जून माह में कोई आप लोगों का रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट नहीं आने वाला है। जुलाई माह की भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही है जो मैं आप लोग के साथ साझा कर सकूं। जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक आप लोग के रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट हो सकता है। डिपार्टमेंट से यही इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपके रिजल्ट को यहाँ पे दे दिया जाए। बिल्कुल, और कोई ऐसी डेट नहीं है। मैं आप लोग को बता दूं कि आपका रिजल्ट इस दिन आ रहा है, आप लोग रिजल्ट देखेंगे और आपके ट्रेड टेस्ट इस दिन स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। क्योंकि जिस दिन सीआरपीएफ आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा उसमें आप लोग के ट्रेड टेस्ट की डेट दी गई होगी, आप लोग को ट्रेड टेस्ट के लिए कब बुलाया जा रहा है बिल्कुल उस पर मेंशन किया गया होगा। तो सब कुछ फिक्स होने के बाद ही आप लोग के यहाँ पे रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट को निकाला जाएगा, जो कि जून माह में पॉसिबल नहीं है। जुलाई की भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आ रही है। मैं आप लोग को बता दूं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जुलाई में आपका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है जुलाई लास्ट तक आपके यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाए, लेकिन डेट फिक्स नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं कि जून माह में आप लोग के रिजल्ट आने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन जुलाई लास्ट में आप लोग के यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यदि जुलाई लास्ट में भी आपका रिजल्ट नहीं आता है तो अगस्त फर्स्ट वीक में आप लोग के रिजल्ट यहाँ पे आ जाने चाहिए, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। कई रिक्रूटमेंट चल रही है, मैं आप लोगों से बिल्कुल क्लियर रखूं, कई रिक्रूटमेंट चल रही हैं, एसएससी जीडी वगैरह का भी कुछ प्रोसेस यहां पे चलता रहता है। इस वजह से सीआरपीएफ आपके पैरामेडिकल स्टाफ के रिजल्ट या आगे के प्रोसेस को लेकर के बाधा उत्पन्न हो रही है। जी हाँ, यही जानकारी है आप लोग के लिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग ट्रेड टेस्ट की तैयारी करते रहिए। जी हाँ, आप लोग ट्रेड टेस्ट की तैयारी करते रहिए। यदि डिपार्टमेंट को लगता है कि इतना समय हमें चाहिए और पैरामेडिकल स्टाफ का जो है यहाँ पे ट्रेड टेस्ट और रिजल्ट निकाला जा सकता है, तो डिपार्टमेंट इसका अनाउंस भी कर सकता है एक नोटिस के माध्यम से। जैसे कि आप लोगों ने अभी एसएसबी ट्रेड्समैन ड्राइवर की आप लोगों की भर्ती, जिसका कि रिटर्न एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट किया गया ऑनलाइन, तो कुछ भी पॉसिबल है। मैं आप लोग को बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को जो मेरे पास जो नॉलेज है वो आप लोग के लिए शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ऐसी कोई डेट मुझे नहीं पता है जो मैं आप लोग को बता सकूं। तो जो जानकारी है सिर्फ वो आप लोग के साथ मैंने शेयर करी है, ताकि आप लोग किसी भी प्रकार से टेंशन में ना रहे। तैयारी आप लोग करते रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट समय लग सकता है। जी हाँ, समय आप लोग का जुलाई लास्ट या फिर अगस्त फर्स्ट वीक तक का समय यहाँ पे लग सकता है। इन्फॉर्मेशन यही निकल के आ रही है, तैयारी करते रहिए। ट्रेड टेस्ट, जी हाँ, सफाई कर्मचारी से हैं आप लोग तो आप लोगों का कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। मैं आप लोग को बता दूं, पासिंग मार्क्स भी मैंने आप लोग को बता दी, यदि इतने नंबर आप लोग के बन रहे हैं, आप लोगों ने आंसर की देखा होगा, तो आप लोग पूरी तरीके से तैयारी में लग जाए। जी हाँ, 45+ और 40+ नंबर आप लोग के बन रहे हैं, आप लोग कैटेगरी वाइज जैसा मैंने आप लोग को बताया, आप लोग तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल अभी तक कोई और डिटेल मेरे पास नहीं, आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग को बुलाया जाना चाहिए, आप लोग का ट्रेड टेस्ट होना चाहिए। और ट्रेड टेस्ट में आने का मतलब यही है कि आप लोग को सिलेक्शन लेना है। मैं आप लोग को बता दूं, जी हां, ट्रेड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां पे 20 नंबर का आप लोग का ट्रेड टेस्ट रहेगा, और 20 नंबर का जो ट्रेड टेस्ट रहेगा इसमें भी पासिंग मार्क्स आप लोग के जनरल ईडब्ल्यूएस 8 नंबर, और यदि आप लोग एससी एसटी ओबीसी से हैं तो 7 नंबर आप लोग को चाहिए होंगे। एक्सपीरियंस के नंबर आप लोग को यहां पे मिलेंगे, लेकिन सफाई कर्मचारी से है तो एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया, क्योंकि बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे क्या सर सफाई कर्मचारी से एक्सपीरियंस मांगा गया, नहीं मांगा गया था, लेकिन है तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। तो तैयारी आप लोग करते रहिए, जैसे ही कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोग को अप टू डेट करता रहूंगा। जो जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है, आप लोग तैयारी कीजिए। आने वाले समय में इसी प्रकार से आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी, डीमोटिवेट आप लोग नहीं होंगे। तैयारी कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो टाइम। बट जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगे कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाए, ताकि इसी प्रकार इंफॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी नेक्स्ट।